नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 25 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और साथ ही साथ जानने वाले हैं इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हिंदू मराठाओं की शौर्य गाथा को बताती हुई कहानी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जनवरी के दिन लगभग 3,880 स्क्रीन्स पर हिंदी और मराठी में लगाया गया था। दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार अजय देवगन, सैफ अली खान, काजोल और शरद केलकर स्टारर इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। वही दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छी रेटिंग्स दी। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 62 करोड़ रुपए की धमाकेदार कमाई की, और इस फिल्म से क्लेश होने वाली फिल्म छपाक को बुरी तरह से पीछे कर दिया। बाद में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में आपको काफी अच्छा होल्ड देखने को मिला, और इस फिल्म ने अपने शुरुआती 7 ही दिनों में लगभग 118 करोड़ की कमाई करके अजय देवगन के कैरियर की 11वीं 100 करोड़ी फिल्म बन चुकी थी। दोस्तों बताते चले आपको कि यह फिल्म अजय देवगन सर के कैरियर में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी थी, और इस ने उनकी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों में बोल बच्चन, गोलमाल 2, गोलमाल और कई ऐसी फिल्में थी जिनके रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के सेकंड वीक कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म की स्टोरी को और इस फिल्म में कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को ऑडियंस द्वारा खूब पसंद किया गया। अजय देवगन के तानाजी मालूसर के किरदार को और सैफ अली खान के उदयभान सिंह राठौर के विलन वाले किरदार को ऑडियंस द्वारा काफी अच्छी रिपोर्ट्स मिली। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने सेकेंड वीक में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 78 करोड़ 54 लाख रुपए कमाए, और अपने तीसरे हफ्ते में स्ट्रीट डांसर 3D और पंगा के रिलीज होने के बावजूद भी यह फिल्म लगभग 40 करोड़ 42 लाख रुपए कमाने में सफल रही। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी, और अजय देवगन के कैरियर में दूसरी 200 करोड़ी फिल्म बनने के साथ हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म भी बन चुकी थी। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के चौथे हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने शुरुआती 3 हफ्तों में यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 237 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के चौथे हफ्ते की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते में भी काफी शानदार शुरुआत की, और इस फिल्म के जो 22वें दिन के कलेक्शंस थे वो इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल के 22वें दिन के कलेक्शंस से कहीं ज्यादा रहे, और इस फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 77 लाख रुपए। वहीं अपने 23वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की और कमाए 4 करोड़ 48 लाख रुपए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 246 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। बात की जाए इस फिल्म के 24वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 24वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ग्रोथ दिखाई और कमाए लगभग 6 करोड़ 4 लाख रुपए। इसी के साथ यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली सुपरस्टार अजय देवगन सर की पहली फिल्म बन चुकी थी, और साथ ही में यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन लगभग 251 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था। बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के अगर 25वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस हफ्ते भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 203 नई फिल्में रिलीज हुई है। उसके बावजूद भी अजय देवगन सर की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 25वें दिन काफी शानदार ऑक्यूपेंसी हासिल कर रही है, और इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों से ज्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी पर आज यह फिल्म अपने 25वें दिन भी ओपन हुई है। आज की इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है वो रही है 18 से 22% की। वही दोस्तों आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की एडवांस में दिखा रही है 35 से 40% की। यानी कि दोस्तों यह फिल्म आज अपने 25वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 253 करोड़ 25 लाख रुपए का। वही दोस्तों यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 335 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ अजय देवगन सर के कैरियर की एक सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी होगी। साथ ही में यह फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, सिम्बा, कीक,
चेन्नई एक्सप्रेस और अक्षय कुमार की तो सभी फिल्मों को पीछे करते हुए बॉलीवुड हिस्ट्री की 12वीं सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी होगी। और दोस्तों जिस तरह का ट्रेंड ये फिल्म अभी कर रही है उस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी होगी और कबीर सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ चुकी होगी। वही दोस्तों ये फिल्म जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली अजय देवगन सर के कैरियर की पहली फिल्म भी बन चुकी होगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो कितना होगा, 300 करोड़, 320 करोड़ या फिर 350 करोड़ का? आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।